छल्लो की बकरी रानी घर के पास चढ़ते चढ़ते एक जगह पर चारों पैर एक तरफ करके बैठ गई। वो बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। वो मदद के लिए पुकार रही थी। छन्नू ने जब उसे देखा तो उसने अपनी पत्नी लाजो को आवाज दी। लाजो, बाहर आओ, देखो रानी को क्या हो गया है, बीमार तो नहीं हो गई? अरे ये तो बच्चा जन्मने वाली है, आप बैठिए मैं सब देख लूंगी। रानी बकरी ने दो प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया तो छन्नू के घर में खुशहाली का वातावरण छा गया। दोनों बच्चों का नाम बिल्लू और टिल्लू रखा गया। छन्नू की कुतिया और उसके दो बच्चे जिनका नाम शेरा और बघेरा था बकरी के दोनों बच्चों को देखने के लिए आ गए। पिल्ले उनसे खेलना चाहते थे इसलिए आगे बढ़ गए। हमारे घर की आबादी बढ़ रही है, अब तक हम लोग कुल 6 हो गए हैं। ये लोग तो फैमिली प्लानिंग को नहीं मानते। अच्छा है, जनसंख्या बढ़ने दो। आप भी ना। इतना कहकर लाजो घर के अंदर चली गई। कुत्ते के पिल्ले और बकरी के बच्चे आपस में खेलने लगे। छन्नू ये देखकर बहुत खुश हो रहा था, वो भी उनके साथ खेल लेता था। उसे सब परिवार के सदस्य ही लगते थे, वो उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता था। रात के समय बकरी रानी और उसके बच्चे एक कमरे के अंदर रहते। कभी कभी कुतिया और उसके बच्चे भी वहीं रहते थे। एक दिन कुतिया और उसके बच्चे रात के समय कमरे के बाहर ही बैठे थे। अचानक एक सियार छन्नू के घर की बाउंड्री के अंदर आ गया। कुतिया के कान खड़े हो गए, उसे अपने बच्चों की चिंता हो गई। उसने झट से शेरा और बघेरा को पीछे सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और उनके आगे खुद सतर्क होकर बैठ गई। सियार ने रानी बकरी के कमरे में जाने की कोशिश की। वो बार बार दरवाजे को धकेलना चाहता था। जब दरवाजा नहीं खुला तो वो कुतिया और उसके बच्चों की तरफ मुड़ गया। कुतिया ने पूरी तरह से बच्चों को अपने पीछे सुरक्षा में ढक लिया। सियार आगे बढ़ा तो माँ कुतिया उससे लड़ पड़ी। दोनों में लड़ाई होने लगी। सियार बच्चों की तरफ जाने लगता तो कुतिया उस पर टूट पड़ती। अपने बच्चों को बचाने में उसकी जान पर बनाई। छन्नू तब तक डंडा लेकर बाहर आ गया। सियार वहाँ से भाग गया लेकिन कुतिया पूरी तरह से घायल हो चुकी थी। आज तक कभी यहाँ सियार नहीं आया था, आज पहली बार ये खतरा सामने आ गया। यदि मुझे इसका अंदाजा होता तो मैं इन्हें भी कमरे के अंदर ही रखता। मेरी प्यारी कुतिया देखो पूरी तरह से घायल हो गई है। दोनों बच्चे शेरा और बघेरा आकर अपनी माँ को उठाने की कोशिश करने लगे। कुतिया हिल भी नहीं पा रही थी। माँ उठो, सियार भाग गया, तुमने बड़ी बहादुरी दिखाई, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ माँ कुछ तो बोलो, तुम्हें बहुत चोट लगी है, मैं चाट कर ठीक कर दूंगा, मेरी माँ बहुत बहादुर है, माँ उठ जाओ ना, मुझसे बातें करो ना। कुतिया बेचारी कुछ देर पहले ही भगवान को प्यारी हो गई थी, उसका निर्जीव शरीर भला अब क्या बोलता। छन्नू और लाजो की आंखों में आंसू आ गए। उनके परिवार का एक सदस्य सदा के लिए उनसे दूर हो गया। शेरा और बघेरा अनाथ हो गए। छन्नू और लाजो को उन पर बड़ी दया आ रही थी। ये दोनों दूध पीते बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, बिना माँ के हो गए हैं, इन्हें तो ये भी नहीं पता कि अब इनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। रानी बकरी भी वहाँ पहुँच गई थी, उसने सब समझ लिया। वो शेरा और बघेरा के पास आ गई। उसकी ममता का आंचल बहुत बड़ा था, उसने दोनों बच्चों को अपना लिया। शेरा और बघेरा रानी बकरी का दूध इस तरह से पीने लगे जैसे वही उनकी माँ हो। उन दोनों ने भी रानी बकरी को अपनी माँ बना लिया। वो बिल्लू और टिल्लू के साथ भी पूरी तरह से घुल मिल गए। कहते हैं ना, ना होता जिनका कोई उनका खुदा होता है। पिल्लों की माँ बकरी बन गई। शेरा और बघेरा बड़े हो गए। वो दोनों अपनी माँ रानी बकरी और भाई टिल्लू और बिल्लू की सुरक्षा में लगे रहते थे। एक शाम सूरज ढलते ही वही सियार फिर से आ गया। कमरे का दरवाजा खुला था, रानी बकरी और बिल्लू टिल्लू वहीं पर थे। सियार जैसे ही आगे बिल्लू और टिल्लू की ओर बढ़ने जा रहा था कि शेरा और बघेरा ने उस पर हमला बोल दिया।
अच्छी कदकाठी के शेरा और बघेरा ने सियार पर जबरदस्त हमला कर दिया। सियार नीचे गिर गया और शेरा बघेरा फिर उस पर टूट पड़े। उन दोनों ने सियार को संभलने का मौका ही नहीं दिया और काट काट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस तरह से उनके द्वारा रानी बकरी, टिल्लू और बिल्लू की सुरक्षा हो गई और उन्होंने अपनी माँ की मौत का बदला भी ले लिया। बहुत दिनों पुरानी बात है, एक जंगल में तोते का जोड़ा रहता था। उनका नाम चिंटू और चिंकी था। वे दोनों बहुत नेक और परोपकारी थे। उनके अपने बच्चे नहीं थे, पर वे दूसरे पड़ोसी चिड़िया के बच्चों को बहुत प्यार करते थे। सुनिए जी, मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। फिर भगवान ने हमें बच्चे क्यों नहीं दिए? भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। वो देर से सही, लेकिन हमें प्यारे प्यारे बच्चे देंगे। एक दिन तोता माँ चिंकी जैसे ही घोंसले से बाहर निकल कर आई, उसने देखा एक घोंसले में से कोई पक्षी चिड़िया के बच्चे को बाहर धकेल रहा है। वह तेजी से उड़कर उसके पास पहुंच गई और देखा तो वह एक जालिम कौवा था। चिंकी ने उसे बड़ी जोर से डांटा और बच्चे को अंदर कर लिया। ये तुम क्या कर रहे हो? एक छोटे से बच्चे को घर से बाहर धकेल रहे हो? इसकी जान लेना चाहते हो क्या? कोई तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये मेरा घोंसला था, चिड़िया ने इस पर कब्जा जमाया है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तुम झूठे हो, भाग जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। उसी समय चिंटू तोता के साथ दूसरे पक्षी भी आ गए। वह कौवा डर गया और वहाँ से भाग गया। चिंकी और चिंटू ने चिड़िया के डरे हुए बच्चे को ढांढस बंधाया। बच्चे डरो नहीं, हम हैं ना, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। भूख लगी है, कुछ खा लो। चिड़िया के बच्चे खाना खाने लगे। चिंकी ने बच्चों को प्यार से देखा और वहाँ से उठकर अपने घोंसले में चली गई। कुछ दिन बीत गए। चिंकी ने अपने घोंसले में दो अंडे दिए और कालांतर में उसमें से प्यारे प्यारे दो बच्चे भी निकले। उन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चिंकी उन्हें बड़े प्यार से रखने लगी। कुछ दिन के बाद वह खाने की तलाश में बाहर उड़ गई। वह नदी के पार चली गई थी और जब वह लौट रही थी तभी अचानक तोते पकड़ने वाला शिकारी आ गया। उसने चिंकी तोते को पकड़कर पिंजरे में कैद कर लिया और अपने साथ शहर ले गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उधर मेरे बच्चे भूखे हैं और इधर मैं जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही हूं। उधर घोंसले में बैठे हुए चिंटू और उसके बच्चे पिंकी माँ का इंतजार कर रहे थे। बाबूजी, माँ को लेकर आइए, बहुत देर हो गई, अभी तक माँ घर नहीं आई। हाँ जाइए, माँ को लेकर आइए, उनके बिना हम नहीं रहेंगे। चिंटू तोता वहाँ से उड़ा और नदी के पास चारों तरफ उड़ता रहा। उसने उड़कर बड़ी देर तक चिंकी की तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। वह निराश होकर लौट आया। दोनों बच्चे रोने लगे, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था, उनकी दुनिया उदास हो चुकी थी। चिंटू तोता कुछ दिन तक उदास था, लेकिन बाद में उसने अपने आप को समझा लिया। एक दिन चिंटू तोता अपने साथ एक तोती लेकर आ गया। देखो बच्चों, ये तुम्हारी नई माँ रिंकी है, ये तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगी। तुम दोनों अभी छोटे हो ना, इसलिए तुम्हारी देखभाल के लिए तुम्हारी रिंकी माँ तुम्हारे पास आ गई है। बाबूजी, क्या ये हमारा पूरा ख्याल रखेंगी, हमें मारेंगी तो नहीं? नहीं नहीं बच्चों, मैं तुम्हें माँ का प्यार दूंगी, तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। दो दिन तक तो रिंकी बड़े ही साधारण ढंग से रही, लेकिन उसके बाद उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन सवेरे सवेरे रिंकी ने दोनों बच्चों की शिकायत चिंटू से की। यह दोनों बड़े शरारती हैं, दिन में भी शोर मचाकर परेशान करते हैं, मेरी कोई बात नहीं सुनते। देखो, तुम लोग अपनी माँ को परेशान कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। आइंदा नालायकी की तो बहुत बड़ी सजा दूंगा, यहाँ से भगा दूंगा। चिंटू के जाने के बाद रिंकी दोनों बच्चों को मारने लगी।
वे बेचारे चुपचाप मार सहन करते रहे। कुछ देर के बाद एक बच्चा बोल उठा, आप कैसी माँ हैं? हमारी चिंकी माँ हमें कभी नहीं मारती थी, वह हमें बहुत प्यार करती थी, हमारी गलतियों को माफ कर देती थी। तुम दोनों को अपनी चिंकी माँ की बहुत याद आ रही है ना? हाँ, बहुत याद आती है, रोज याद आती है। तो ठीक है, तुम दोनों को तुम्हारी माँ के पास पहुँचा देती हूँ, वहाँ माँ का असली प्यार मिलेगा। इसके लिए तुम दोनों को मरना पड़ेगा। इतने में एक आवाज आई, मेरे जीते जी मेरे बच्चों का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बच्चों ने मुड़कर देखा तो खुशी से उछल पड़े। पीछे उनकी चिंकी माँ डाल पर बैठी थी। माँ तुम आ गई। मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई। माँ तुम इतने दिनों तक कहाँ थी? मेरे प्यारे बच्चों, मैं मौत के जबड़े में जाकर वापस आई हूँ। एक शिकारी ने मुझे पिंजरे में कैद कर लिया था, पर मेरे दोस्त बंदर मामा ने मुझे बचा लिया और मेरी जान बच गई। माँ तुम वापस आ गई हो, हमारी जिंदगी फिर से पहले की तरह खुशहाल हो गई है। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम कहीं दूसरी जगह अपना घोंसला बनाएंगे। चिंटू तोता भी आ गया था, दूसरे तोता पक्षी भी इकट्ठा हो गए थे। सभी ने चिंटू को रिंकी तोती की सच्चाई बताई। रिंकी सर झुकाकर मुलजिम की तरह खड़ी थी। मेरे बच्चों, मुझे सारी हकीकत पता चल गई है, अब तुम्हें सौतेली माँ का नहीं अपनी असली माँ का प्यार फिर से मिलेगा। बच्चे अपनी असली माँ को फिर से पाकर ऐसे खुश हो गए जैसे उजड़े हुए चमन में बहार आ गई हो। चिंकी माँ भी प्यारे बच्चों पर अपना प्यार और ममता लुटाने लगी।